नमस्कार नमस्कार अड्डा साहब। अड्डा साहब? हाँ। अरे भैया मैं कोई अड्डा वड्डा साहब नहीं हूँ, मैं चड्डा साहब हूँ। चड्डा साहब? हाँ बोलिए। चड्डा साहब वो आपका माल हमने तैयार कर दिया। जी हाँ। माल? कैसा माल? कौन सा माल? कहाँ का माल? आप लोग कौन है यार? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। साहब आपने हमें 5 लाख रुपए एडवांस दिया है और हमने आपका 80 लाख का माल तैयार कर दिया। शायद आप भूल रहे हैं। मैं भूल रहा हूँ? जी हाँ। तो भैया ऐसा करो अब आप लोग भी भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या कह रहे हैं अड्डा साहब? चड्डा साहब? चड्डा साहब ऐसा मजाक मत कीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। अरे आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? ठीक है अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हम सेठ जी से मिलना चाहते हैं। हाँ। आप राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाइए। थैंक यू। नमस्ते। सेठ जी एसी रूम में बैठे हैं। सेठ जी ये क्या, आपका मैनेजर कह रहा आप हमारे माल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते? ऐसा गजब मत कीजिए सेठ जी, हमारा माल हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा? हाँ भाई, आप लोगों का 2 कौड़ी का नौकर कृष्णा, वही कृष्णा जिसे कुत्ता कहकर उसके मुंह पर चाटा मारा गया था, वही कृष्णा जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, तो इस बात का बदला ले रहे हो तुम? मेरे साथ किए गए सुलूक को तो कब का भूल चुका हूं मैं, मगर अपनी बड़ी मालकिन की आंखों से बहे हुए आंसुओं को कैसे भूलूं? मेरे साहब जी के सीने पर तुम लोगों ने जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूलूं मैं? याद है पूरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदलना, याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने से इनकार करना, याद है कर्जदारों का दरवाजे पे से कार को ले जाना, याद है साहब जी को जबरदस्ती सिगार छोड़ने पर मजबूर करना। अरे विक्की बाबू, आप लोगों को कुछ याद नहीं मगर कृष्णा को सब याद है। जाओ, नहीं उठाता मैं तुम लोगों के माल की डिलीवरी। जाओ जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ, जाओ खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा, जाओ। अब पता चलेगा जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आकर तकाजा करेंगे, अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी, अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अब यहां खड़े क्यों? जाओ जाओ निकलो ऐसे, जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल दे, निकल जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ। माफ करना साहब जी, माफ करना। मुबारक हो स्टार बाबू। अरे क्या बात, आज खुशी के मौके पे ये उदासी का प्रोग्राम? अरे भाई अब तो तुमने अपने सारे दुश्मनों से बदला भी ले लिया, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग भी मिल गया, फिर भी ये एयरपोर्ट। जब तक स्वर्ग में देवता नहीं होता, स्वर्ग स्वर्ग नहीं होता है। सच कह रहे हो कृष्णा, कहां कहां नहीं ढूंढा हम लोगों ने साहब जी को, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे तो डर है कि कहीं वो नहीं। एयरपोर्ट? ऐसा नहीं हो सकता नहीं। जब तक मेरे सीने में धड़कन है साहब जी को कुछ नहीं हो सकता, वो मुझसे नाराज है ना, इसलिए मिल नहीं रहे। मगर कल मैं उस मंदिर में जाऊंगा जहां साहब जी ने पहली बार इस सनात के सर पर हाथ रखा था। मुझे पूरा विश्वास है एयरपोर्ट, वहां मेरी प्रार्थना जरूर पूरी होगी।